बाइनरी नंबर सिस्टम देखते हैं। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम दो नंबर्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जीरो और वन, ठीक है। इसको बेस टू या रेडेक्स टू भी कहते हैं। अब हर एक डिजिट को हम एक बिट कहते हैं, वो जीरो और या वन हो सकती है, ठीक है। अब देखिए बाइनरी नंबर्स के अंदर जितने भी नंबर है हम क्या करते हैं, जो बाइनरी पॉइंट है इससे यहां पर आके स्टार्ट करते हैं। अगर लेफ्ट साइड पे चलते जाएं तो टू रेस्ट पावर जीरो, टू रेस्ट पावर वन, टू रेस्ट पावर टू, टू रेस्ट पावर थ्री, इस तरह पावर बढ़ती जाती है। और जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। बिट है ना, दो बिट है ना। इस तरह अगर राइट साइड पे चले तो टेन रेस्ट टू रेस्ट पावर माइनस वन, टू रेस्ट पावर टू माइनस टू, इसी तरह माइनस थ्री चलते जाते। और ये सबसे एंड वाली जो होती है उसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, ठीक है। सबसे कम पोजिशन वैल्यूज या इसकी वेट होता है। जैसे यहां पे लिखा हो वन जीरो 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 वन वन वन, ठीक है। ये आखिर वाला वन क्या होगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट हो गया, और सबसे पहले वाला जो डिजिट लिखा होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट हो, ठीक है। हाईएस्ट पोजिशन वैल्यू होती है मोस्ट की, और लीस्ट पोजिशन वैल्यू होती है एलएसबी की। अब ये देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसके अगेंस्ट क्या लिखे हुए हैं, डेसिमल के साथ बाइनरी लिखे हुए, ठीक है। जीरो के लिए जीरो 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 आ जाता है, वन के लिए जीरो वन आ जाता है, इस तरह टू के लिए वन जीरो, थ्री के लिए वन वन, इस तरह ये वन जीरो जीरो, फोर के लिए, फाइव के लिए जीरो वन जीरो, सिक्स के लिए डबल वन जीरो, ठीक है। इसी तरह टेन के लिए जीरो वन वन जीरो वन जीरो, ठीक है। अच्छा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर, सॉरी ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो देखते हैं। अच्छा बाइनरी नंबर सिस्टम की टर्म्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली तो बिट होगी, ठीक है। बिट किसी एक यूनिट डिजिट को कहते हैं, जैसे वन हो गया या जीरो हो गया। इसके बाद निबल, देखिए निबल जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ फोर बिट्स होती है। जैसे देखिए इसमें यहां पे ट्रिपल वन जीरो है, टोटल में कितनी होगी, चार बिट्स हैं, तो चार बिट्स मिलके क्या बनाती है, निबल बनाती है। इस तरह ये एक निबल है, एक निबल है, एक निबल है, एक निबल। इसी तरह आठ बिट्स जो होती है वो मिलके एक बाइट बनाती है। जैसे देखें ये चार और अगले वाले चार मिलके क्या हो गया, आठ है ना। आठ बिट ने मिलके क्या बना दिया, एक बाइट बना दिया। एक बाइट के अंदर आठ बिट्स होती हैं, और अगर निबल की बात की जाए तो एक बाइट के अंदर दो निबल होती हैं। ये एलएसबी और एमएसबी, एलएसबी जो एक्सट्रीम राइट साइड पे होता है और एमएसबी जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है। वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है 16 बिट्स का मजमू होता है, ठीक है। 16 बिट्स को मिलके एक वर्ड बनता है, तो एक वर्ड के अंदर दो बाइट्स हो जाएंगे, और एक वर्ड के अंदर अगर निबल की बात करें तो चार निबल्स हो जाएंगे। इसी तरह डबल वर्ड वो होता है जिसके अंदर दो वर्ड हो, दो वर्ड का मतलब क्या हो गया, 32 बिट्स हो गए। जब 32 बिट्स हो जाएंगी तो इसके अंदर वर्ड के इसके अंदर बाइट्स कितनी होगी, आठ आठ सोलह, चार चार बाइट्स होगी, चार बाइट्स होगी। और वर्ड और निबल कितनी होंगी, आठ होंगी। इसके अंदर दो बाइट्स थी, डबल वर्ड के अंदर आठ बाइट होगी, और निबल कितनी होगी, चार चार बाइट्स।